नमस्कार, मैं हुदीपाली, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। और आपको बता दें, खबरों की शुरुआत करते हैं हरियाणा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत। आज 9 जिलों में पंचायत चुनाव है। आज जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए वोटिंग लगातार जारी है और 12 नवंबर को सरपंचों और पंचों के लिए मतदान होगा। इन जिलों में अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसौर, सोनीपत का नाम शामिल है। इन क्षेत्रों के सभी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ इन जिलों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कार्यालयों में आज और 12 नवंबर को छुट्टी होगी ताकि वो मतदान कर सके। बता दें कि पहले चरण में भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नू, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए 30 अक्टूबर और सरपंच पंच के लिए 2 नवंबर को मतदान हुए थे। पहले चरण में इन 9 जिलों में 70.5% वोटिंग हुई थी। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। रोहतक, कालावली, सिरसा में उत्साह देखने को मिल रहा है भारी वोटर्स में। और आपको बता दें कि शुरुआत जो थी वो धीमी हुई थी, अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लोग भारी संख्या में धीरे धीरे करके पहुंचने लग गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रेवाड़ी से अजय अत्री और चानन सिंह जुड़ गए हैं कालावली से, ग्राउंड जीरो से आपको जानकारी देने के लिए। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले रेवाड़ी का हालचाल जानना चाहेंगे। शुरुआत जो थी वो धीमी हुई थी, लेकिन अब किस तरह की रफ्तार जो पकड़ी है, वोटर्स यहाँ पे पहुंचे, क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं? ठीक है, चलिए अजय, आपका रुख करूंगी, लेकिन अब बढ़ते हैं कालावली में, जहां से ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता चानन सिंह जुड़े हैं। चानन, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सुबह से वोटिंग 7 बजे से लगातार जारी है, शुरुआत जो हुई वो धीमी हुई थी, लेकिन अब किस तरह की जो रफ्तार है वो पकड़ी जा रही है, अब कालावली की तस्वीरें बताएं। कालावली जो है, मैं हमने लगभग 1 दर्जन के गांव है जो कवरेज कर रहे हैं, वहां जाकर देखा है कि लोगों में काफी उत्साह पाया जा रहा है और धीरे धीरे जो संख्या है वो बढ़ रही है। वहीं जो पंजाबी बेल्ट है उसमें थोड़ी सी कम दिखाई दे रहे हैं, जो बागड़ी बेल्ट है उसमें ज्यादा जो असर देखा जा रहा है और काफी उत्साह देखा जा रहा है। वही आपको बता दें कि जो कालावली क्षेत्र में जो डा ब्लॉक है वहाँ 10% के करीब मतगणना हो चुकी है और एक यहाँ सामने आई है बात देखने में कि व्हील चेयर नहीं है, जो विकलांग आ रहे हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई मतदान केंद्रों पर हम गए तो वहाँ व्हील चेयर नहीं मिली, जिसके कारण जो विकलांग है उनको काफी दिक्कत आ रही है। बुनियादी मुद्दे अगर युवाओं के तौर पर देखा जाए तो युवा किस तरीके से देखते हैं, क्या जरूरी समस्या है जो उस क्षेत्र में की समस्याओं का समाधान होना बेहद जरूरी है? आपके सामने कोई युवा है, कोई वोटर है युवा, जो इससे आप बात कर सके? हाँ, हमारे पास युवा खड़े हैं जी, हम उनसे बात करेंगे जी, अभी करवाते हैं जी आपके पास। हमारे पास ये जो युवा खड़े हैं इनसे करेंगे बात। हाँ जी, वोट किस आधार पर लोग मांग रहे हैं और किस आधार से वोट डाल रहे हो जी आप? वोट डालना सबका अधिकार है, सबका अपना मत देना चाहिए और जो भी वोट मांग रहे हैं वो अपने पास अपने काम के लिए पर मांग रहे हैं, तो वोट करना हमारा अधिकार है। मुख्यमंत्री का क्या है, यहाँ का लोगों का क्या मांग है? लोगों को क्या मांगे तो बहुत ज्यादा है, स्कूल है, स्टाफ की कमी है, या फिर ये मेन मुद्दे यही है, पूरा नशा है, ये मेन मुद्दे है। आपका क्या कहना है? यही कहना है, मतलब तो युवा है जो कह रहे हैं अभी जो नशा ठीक है, ठीक है, और उसके साथ बिल्कुल। चानन सिंह, जैसे कि युवाओं की बात भी हमने सुनी, कई बुनियादी मुद्दों पर वो सवाल खड़े करें कि कई ऐसी परेशानियां हैं जो उनके सामने आ खड़ी हुई है। चलिए अब रुक करते हैं सीधा रेवाड़ी का, जहां से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लाइव तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। अजय अत्री, आपसे जानना चाहेंगे क्या बुनियादी मुद्दों को लेकर लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं वोटर्स?
जी बिल्कुल दीपाली, आपको बता दें कि लगातार सुबह सवेरे की अगर बात की जाए तो रेवाड़ी जिला के वार्ड नंबर 10 के अंतर्गत आने वाले गोकलगढ़ गांव का हमने जब दौरा किया तो वहां पर मतदान प्रक्रिया काफी, एक कहें कि मतदान की जो स्थिति थी बड़ी धीमी चल रही थी। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो रेवाड़ी जिला के अंतर्गत आने वाले कुल 5,59,000 मतदाताओं में से अभी तक 8.7% यानी कि 48,696 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं और फिलहाल रफ्तार लगातार एक के बाद एक बढ़ती जा रही है और मतदाता पोलिंग बूथों पर जाकर के अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए कि मतदान की रफ्तार अब एक तरह से 3 घंटे बाद तेज देखने को मिल रही है। जी दीपाली जी, आपसे जानना चाहेंगे अजय अत्री कि कितना परसेंट एग्जैक्टली वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ हुआ है, सबसे पहले वो बताएं। अजय आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी दीपाली, वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ है? जी दीपाली, आपको बता दें कि कुल 5,59,000 मतदाता रेवाड़ी जिला परिषद के अंतर्गत आते हैं जिनमें से अभी तक की अगर बात की जाए तो 8.7% यानी कि 48,696 मतदाता करीब 10 बजे तक अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं और फिलहाल की अगर स्थिति की बात की जाए तो रफ्तार मतदान की लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका और चानन सिंह आपका। तस्वीरें लाइव दिखा रहे थे पंचायती चुनाव को लेकर ग्राउंड जीरो से, किस तरह से जो उत्साह जो है भारी देखने को मिल रहा है इन चुनावों में। चलिए अब सीधा